नमस्कार दोस्तों, औजार नव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इसमें दो बटन, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर लैंप है। देखो दोस्तों, ये बटन ये सॉकेट के साथ में रहेगा और एक बटन एक्स्ट्रा रहेगा। इसके ऊपर आप कोई भी एक ऐसा बल्ब वगैरह लगा सकते हो, इसलिए मैंने अभी बना रहा हूँ, आप देखिए। देखो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको टाइट कर लिया है क्योंकि ये टाइट करने में बहुत समय जाता है और आपका कीमती समय ज़्यादा नहीं जाए, इसीलिए मैं ये पहले टाइट करके रख दिया है। टाइट करने वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, अगर ये लगाते हैं तो ऐसे दो उंगल नीचे देके ऐसा यहाँ से टाइट करना है ताकि ये घूमे नहीं। इस प्रकार ये हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे भाइयों, अभी हम इसको कनेक्शन भरेंगे। देखिए मेरे भाइयों, ये देखिए, अभी यहाँ से हमको फेज में देना है। ये टुकड़ा है वायर का, एक टुकड़ा हम यहाँ से देंगे। राइट साइड में सप्लाई होने के कारण हम राइट साइड में इसको पहले लगा लेंगे। इस प्रकार हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको लगा लेंगे, यहाँ हमने इसको लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ये बटन के ऊपरी हिस्से में, ये देखिए बटन का ऊपरी हिस्सा है, ये बटन के ऊपरी हिस्से में मेरे दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। इसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक तांबे की तार लेंगे और ये तीनों को कॉमन कर देंगे क्योंकि ये तीनों ही फेज ही है। इसमें फेज देना है हमें बाहर से जो आता है वो, और ये बटन में भी फेज जाना चाहिए, इसलिए उसको भी वही देगा सप्लाई देंगे। और इंडिकेटर लैम्प में पॉजिटिव का पॉइंट इधर देंगे और निगेटिव का पॉइंट हम ऊपर देंगे। देखो दोस्तों, अभी हमारे पास ये वायर का टुकड़ा है, इसको हम छील लेते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, हमने इसका तार निकाल दिया है और ये तार जो है हम यहाँ से इसको तीनों को मिला के डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने तार तीनों को मिला के डाल दिया है। इसको हम ऐसा अच्छी तरह से लपेट लेंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमने टाइट कर लिया है। सेकंड वाला भी है जो बीच वाला बटन, उसको भी हम टाइट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये तार टाइट हुआ है। ये हमने ढीला रखा है, लूज रखा है, वो इसलिए रखा है कि इसमें हमको फेस की वायर देनी है। अभी मैं इसमें फेस की वायर दूंगा। ये देखिए, यहाँ से मैं ये फेस की वायर डालूंगा। ये मैंने डाल दिया है यहाँ से, और इसी प्रकार हमको इसको टाइट कर लेना है। मेरे भाइयों, अगर किसी ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे नए वीडियो का आनंद लीजिए, और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने ये लगा दिया है, ये फेस का वायर आ गया है मेरा। अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा ये बटन है, ये एक लाइट है अपना होल्डर है, ये होल्डर हम यहाँ से, अभी मैंने आपको सैंपल के तौर पर छोटा दिखाया है, लेकिन आप घर में कोई भी बड़ा ऊपर लगा हुआ ट्यूबलाइट हो, होल्डर किसी का भी वायर आया हो, उसमें पॉजिटिव वायर इसको आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पॉजिटिव को देंगे क्योंकि ये बटन हमको ऊपर में फैन हो, कुछ भी हो, उसका जो वायर आता है उसके लिए हमको देना है, या कोई लाइट जलाना है एक्स्ट्रा उसके लिए देना है। उसके बाद हम इसका नेगेटिव जो है ये ऊपर के पॉइंट को यह हमको देना है, लेकिन यह हमको और एक वायर जोड़ना है जो बाहर नेगेटिव करके जाएगी। ये देखिए, हम ये दोनों वायर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद ये दोनों वायर हम यहाँ से इसमें लगा देंगे। इस प्रकार हमारा ये वायर भी यहाँ लग गया है, और इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। देखो भाइयों, अब ये बिजली का बोर्ड हम बना रहे हैं, इसे पावर बोर्ड भी कहते हैं और बिजली का बोर्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, हमारी ये निगेटिव की वायर आ गई है, हमारी फेज की वायर भी आ गई है। अब ये दोनों फेज और निगेटिव जो है ये हम इकट्ठा करके इसका जो पॉइंट है दोनों, देखिए इसको एक टेम्पररी ऐसा गार्ड मार लेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये जो वायर है, अब हम हमारा सप्लाई सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई सही हो रहा है कि नहीं है। अब हमारे यहाँ निगेटिव वायर लगाना बाकी है, तो इसी में से हमको एक टुकड़ा इस वायर में भी देना है, या तो इसको हम कटिंग करके यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कटिंग करके यहाँ से दे देंगे इसी प्रकार। इसको अभी देखो, हम वायर को थोड़ा सा छीलेंगे यहाँ से और इसका थोड़ा सा पोजीशन निकाल के, ये देखिए हमने वायर निकाल दी है। इस प्रकार हमने यह वायर ऐसी बना ली है, और एक्स्ट्रा का जो कचरा है वो हम निकाल देंगे। ये देखिए, इसको हमने काट दिया है, और काटने के बाद ये वायर जो है हम यहाँ नेगेटिव के पॉइंट में दे देंगे। देखिए भाइयों, अभी हमने इसको नेगेटिव के पॉइंट में दे दिया है,
और इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों भाइयों, ये देखिए ये ऐसा बराबर लगा देंगे, ये वायर भी ऐसा लगा लेंगे बराबर। इस प्रकार हमारा ये बोर्ड बन गया है। अभी देखिए ये हमारा बोर्ड बन गया है, हम इसका अभी टेस्टिंग करेंगे। अभी आप सबसे पहले एक बात को ध्यान दीजिए भाइयों कि हमने देखिए न्यूट्रल की वायर यहाँ लगाई है और फेज की वायर हमने यहाँ लगाई है। फेज यहाँ से बटन ऑन करने के बाद यहाँ जाकर सॉकेट में आएगा तो ये बटन काम करेगा। और दूसरा है ये इसका है इंडिकेटर का लैंप है, इंडिकेटर के लिए हमने एक निगेटिव वायर दिया है और फेज यहाँ से चला गया है। और ये जो पॉइंट हमने दिया है, ये जो आपको बताया मैंने ये दिया है, ये ऊपर आप कोई भी बल्ब लाइट लगा सकते हो, इसके लिए एक पॉइंट निकाल के दिया है, ये इस बटन के ऊपर है। देखिए अभी भाइयों मैं इसको ऐसा रखकर आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ। इसमें हम एक बल्ब लगा देंगे चेकिंग के लिए। देखिए हमने इसको एक बल्ब लगा दिया है। अभी हम दूसरा जो सप्लाई है इसमें, ये दो वायर जो आती है वो किसी भी दूसरे बोर्ड में से आप सप्लाई ले सकते हैं, या तो आपके घर में मीटर से जो कनेक्शन आता है, घर के अंदर जो कनेक्शन आता है फ्यूज़ के बाद या एमसीबी के बाद, उसमें आप ये कनेक्शन दे सकते हैं। दोनों वायर, लाल वाली आपको फेज में देनी है और ब्लैक वाला वायर है काला वाला, वो आपको नेगेटिव में देना है। अभी हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई ओके है कि नहीं। देखिए दोस्तों इंडिकेटर लैम्प जल गया है, सप्लाई हमने ऑन कर दिया है, इंडिकेटर लैम्प जल गया है और इंडिकेटर लैम्प कंटिन्यू जलता रहेगा क्योंकि वो डायरेक्ट सप्लाई में दिया है। अब ये बल्ब है, ये बटन बल्ब का है। अभी देखिए बल्ब जलेगा, ये देखिए बल्ब जल गया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये बल्ब जल गया है और फिर हमको ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी चेक करना है, इसमें हमारा सप्लाई आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों अभी सप्लाई बंद है, राइट साइड में हमें सप्लाई चाहिए है। हम बटन ऑन करते देखिए सप्लाई हमारा आ गया है। बटन ऑफ करने के बाद सप्लाई हमारा ऑफ हो रहा है। यहाँ का बटन ऑन करने से हमारा बल्ब जल रहा है। इस प्रकार हमारा ये दो सॉकेट, अब एक सॉकेट दो बटन और एक इंडिकेटर लैम्प का बोर्ड तैयार हो गया है। मेरे भाइयों ये बहुत काम की चीज़ है और मेरे किसी भी भाई को आराम से बना सकता है मेरा भाई, ये कोई भी बना सकते हैं, इतना आसान काम है। तो आप भी ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझकर आप खुद भी ये बोर्ड बनाइए और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। थैंक यू दोस्तों, औजानो चैनल में आज इतना ही, धन्यवाद।